आज हम आपको फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो है पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये मॉडल जो होता है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बाद जो है ये एटॉमिक फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है। इसको जे जे थॉम्सन नामक साइंटिस्ट ने 1898 में दिया। किस तरह में 1898 में दिया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट आपका एटॉमिक मॉडल है, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि आपका जे जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल कहते हैं इसी को, ठीक है ना। तो आपका जो है इस एटॉमिक मॉडल में जो है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की डिस्कवर हुई तो ये पता चल गया कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन का पोजीशन एटम में कहाँ होता है, उसी चीज़ को बताने की कोशिश किसने किया, भाई इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों एटम में जब होते हैं तो इनका पोजीशन कहाँ होता है, कहाँ होते हैं एटम में, ठीक है ना। किस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो होता है एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के पोजीशन को बताने की कोशिश किसने किया, जे जे थॉम्सन ने। तो वही उनका जे जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, ये आपका हमने वाटर मेलन लाइक बनाया है, ये मेलन का स्पेयर कट कर दीजिए, ठीक है ना, वाटर मेलन मॉडल। तो इन्होंने जो है अपने एटॉमिक मॉडल को जो है वाटर मेलन से कंपेयर कर दिया, इसीलिए जे जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल को हम क्या कहते हैं, वाटर मेलन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है ना। कैसे, इन्होंने बताया कि किसी भी, इतना तो कंफर्म था कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन्स कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। आपका जो किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, वो एटम में यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, आपके जो है यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। किसी भी एटम में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे वाटर मेलन में रेड कलर का फ्लैसी होता है, रेड कलर का गूदा होता है, ठीक है ना। और किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका क्या होते हैं, एटम में एम्बेडेड होते हैं। जैसे वाटर मेलन में आपके जो सीड्स होते हैं, वाटर मेलन के जो सीड्स होते हैं वो वाटर मेलन में एम्बेडेड होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, एटम में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को, तो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव पार्टिकल्स है उसे प्रोटॉन कहेंगे, और जो एटम में एम्बेडेड होते हैं लाइक एस सीड ऑफ वाटर मेलन, उसे इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से जे जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल को हम क्या कहते हैं, वाटर मेलन मॉडल कहते हैं। अब प्लम पुडिंग मॉडल होता है आपका, प्लम पुडिंग, ठीक है ना, बेर का एक पकवान होता है, पुडिंग का मतलब होता है पकवान और प्लम मिस होता है बेर, ठीक है ना। तो जैसे प्लम पुडिंग मॉडल होता है, जैसे खीर होता है आपका, खीर, खीर में किशमिश ऐसे ऊपर से लगा दीजिए, ठीक है ना। तो जो किशमिश लगाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जो खीर आपका रहेगा चावल का दूध का, वो यूनिफॉर्मली व्हाइट कलर का रहेगा आपका, तो वो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव पार्टिकल्स हो जाएगा। तो प्लम पुडिंग आपका एक जो होता है बेर का एक पकवान होता है आपका, ठीक है ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है, इसलिए इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल कह देते हैं। रेजिन पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, रेजिन का मतलब होता है किशमिश, किशमिश खीर में अगर आप किशमिश ऐसे धता दीजिए तो जो किशमिश होगा आपका, जो रेजिन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और खीर में जो व्हाइट कलर का चावल और दूध होगा वो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव पार्टिकल्स हो जाएगा। तो इसीलिए जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल को हम वाटर मेलन मॉडल कहते हैं, इसी को हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, इसी को हम रेजिन पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो फिगर बना लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ सकता है तो लिखाएं, बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़े लिखाएं बेटा, फिगर मिटा करके। हो गया बेटा, शिवम पटेल, चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो जी थॉम्सन एटॉमिक मॉडल फिगर बना लीजिएगा आप लोग, अब इसके बारे में लिखते हैं। Thank you.
मतलब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आफ्टर द डिस्कवरी, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कामा द इमीडिएट, ठीक है ना, द इमीडिएट, द इमीडिएट प्रॉब्लम वाज, एक मतलब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम में पोजीशन कहाँ होता है, कैसे होते हैं, ठीक है ना, तो उसी को सबसे पहले किसने बताया, जे.जे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल, गलत भी हो गया आपका, ठीक है ना, कैसे स्टेबिलिटी ऑफ आइटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, अभी आगे पढ़ेंगे कैसे प्रॉब्लम, ठीक है ना, द इमीडिएट प्रॉब्लम वाज टू नोन, वाज टू नोन, वाज टू नोन अबाउट देयर पोजीशन, अबाउट देयर पोजीशन, अबाउट देयर पोजीशन, ठीक है ना, अबाउट देयर, अबाउट देयर पोजीशन इन एन, इन एन आइटम, अबाउट देयर पोजीशन इन एन आइटम, अबाउट देयर पोजीशन इन एन आइटम, ठीक, जे जे थॉमसन, ठीक है ना, जे जे थॉमसन इन 1898, जे जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज, प्रपोज दैट एन आइटम, दैट एन आइटम, प्रपोज दैट एन आइटम, प्रपोज दैट एन आइटम, आइटम में भी रिगार्डेड एज, मे बी रिगार्डेड एज ए स्फीयर, रिगार्डेड एज ए स्फीयर, स्फीयर ऑफ अप्रोक्सीमेट रेडियस, स्फीयर ऑफ अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट रेडियस, अप्रोक्सीमेट रेडियस, अप्रोक्सीमेट रेडियस 10^-8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर कैरिंग, ठीक है ना, कैरिंग पॉजिटिव, कैरिंग पॉजिटिव, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, ड्यू टू प्रोटॉन्स, ड्यू टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इन विच, इन विच, इन विच, ठीक है ना, इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, embedded or, embedded or
आपका जो है वाटरमेलन में आपका रेड फ्लैशी होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम में एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, जैसे वाटरमेलन में सीड्स धसे होते हैं। ठीक है, द थॉम्सन मॉडल्स ऑफ एन एटम, द थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम, द थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम इज आल्सो कॉल्ड ठीक है ना, इज आल्सो कॉल्ड नोट कीजिए बेटा, तब आगे बढ़े। क्लियर दिख रहा है बेटा कि नहीं? हेलो, वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? हेलो, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़े। जो थॉम्सन एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर देते हैं। अभी भी बेटा वीडियो क्लियर नहीं है? शिवम पटेल, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। चलिए बेटा नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आल्सो कॉल्ड, ऊपर वाला थोड़ा सा दो तीन लाइन मिटा देते हैं बेटा। आल्सो कॉल्ड, ठीक है ना, आल्सो कॉल्ड थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल और थॉम्सन ठीक है ना, रेजिन पुडिंग मॉडल और थॉम्सन वाटरमेलन मॉडल ठीक है ना, ठीक, नोट कर लीजिए बेटा इसको। तो जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल आपका जो है हो गया, ठीक है ना, जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल आपका। अब इसमें जो है कमियां क्या थी, क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से ये एटॉमिक मॉडल आपका क्या हो गया, फेल हो गया? तो जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल के बाद आपका आता है इधर पुल, लेकिन इससे पहले ये फेल क्यों हो गया एटॉमिक मॉडल? जे थॉम्सन जो एटॉमिक मॉडल था, ठीक है ना, ये फेल क्यों हो गया? थॉम्सन को इसी के लिए क्या हुआ, थॉम्सन को इसी मॉडल के लिए 1906 में जो है नोबल प्राइज मिला, ठीक है ना, ओके। वो एक टिप्स लिख लीजिए, जे थॉम्सन को जो है वो नोबल प्राइज मिला था आपका, ठीक है ना, इन्होंने बताया था आपका, ठीक है ना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेस, मतलब गैसों में भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है,
ठीक है ना, ये चीज़ें थॉमसन ने बताया था, इसी वजह से 1906 में इन्हें नोबल प्राइज से क्या किया गया, सम्मानित कर किया गया। तो टिप्स में लिखिए आपका, ठीक है ना, टिप्स में लिखिए, ठीक है ना, थॉमसन वाज, ठीक है ना, थॉमसन वाज अवार्डेड, ठीक है ना, थॉमसन वाज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 for his theoretical, ठीक है ना, फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेस। नोट कर लीजिए टिप्स, फिर आगे बताते हैं आपको, ठीक है ना, आगे बताते हैं, ठीक है, लिमिटेशन या ड्रॉबैक कह दीजिए, नोट कीजिए बेटा आगे, तो बढ़े, नोट हो गया, तो इंडिया विशाल कौन है भाई, इंडिया विशाल कौन है, चलिए बेटा आगे देखते हैं, तो नोबल प्राइज इनको मिला था जो है फिजिक्स में जो है 1906, और किसके लिए जो इन्होंने क्या किया था, वही गैसों में कंडक्शन बताया था इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे लिमिटेशन या ड्रॉबैक कह दीजिए, ठीक है ना, ड्रॉबैक ऑफ जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, ड्रॉबैक ऑफ जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है बेटा, ड्रॉबैक ऑफ जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक, डैश देख लिखिए, दीज आर फॉलोइंग, ठीक है ना, ड्रॉबैक ऑफ जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दीज आर फॉलोइंग, पहला ये है, दिस मॉडल एक्सप्लेन
मतलब ये आपका मॉडल जो होता है वो आइटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना भाई, आइटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो है आइटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है, और जो होता है स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है, और क्या है क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम, जो आपके स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम हम आगे बताएंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो आपके वेवलेंथ होते हैं, वेवलेंथ कई वेवलेंथ होते हैं ना, जो विवग्योर होते हैं कई, तो वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो डायग्राम मिलता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट रेज आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके कॉस्मिक रेज, ठीक है ना, रेडियो वेव, ये सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो इनके वेवलेंथ को जितने भी आपके रेज हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इनके वेवलेंथ के इनके वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो हमको डायग्राम मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, जो है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। तो जो होता है तो और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, तो जो है दिस मॉडल could not explain the alpha scattering experiment, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो होता है, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है किसी भी आइटम में, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव पार्टिकल जो होता है वो आइटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, वो आइटम के सेंटर में होते हैं। आइटम के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब रदरफोर्ड ने 1911 में किया तो उन्होंने देखा कि किसी भी आइटम के सेंटर में पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके बाहर होते हैं। इन्होंने क्या कह दिया कि किसी भी आइटम में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये गलत हो गया आपका। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है कि आप में किसी भी आइटम में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है वो आइटम के सेंटर में होता है, और इन्होंने क्या कह दिया कि आइटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, पूरे होल आइटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये जे थॉमसन ने कहा था। तो इस वजह से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरा, ठीक है ना दिस मॉडल could not explain electromagnetic spectrum। आगे पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डिटेल में आगे आएगा, ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। केवल आप समझिए लाइट रेज क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है आपका। तो जितने भी लाइट रेज हैं आपका, जितने भी हैं, सबको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो फिगर बनता है, हमको फिगर मिलता है, वही क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तीसरा पॉइंट, ठीक है, बस दो ही लिखिए, बहुत है, ठीक है ना, दो पॉइंट हो गए, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब कल आपको पढ़ाएंगे हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। आपके जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली आइटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका क्या होते हैं, आइटम में एम्बेडेड होते हैं, लाइक एज वाटर मेलन सीड्स, वाटर मेलन के जो सीड होते हैं,
ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं।